Thank you very much. All leaders, my recharge of the morning, Sandeep ji, thank you very much. दोस्तों आज सुबह की शुरुआत जैसा कि संदीप जी ने कहा मुस्कुरा के जो है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, क्योंकि एक एनर्जी हमारे अंदर जब हम क्लैपिंग करते हैं तो एक एनर्जी हमारे अंदर जो है वो इधर से इधर और इधर से इधर जो है वो जनरेट हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। तो ऐसी ही एनर्जी का जो है आज का सेशन है सवाल और जवाब। इसके अंदर आपके बिजनेस के अंदर जो भी आपको लगता है कोई चीज है, जैसी कुछ भी हो सकता है उसके ऊपर, क्योंकि आज का ओपन सेशन होता है, इसमें सब चीजों के ऊपर डिस्कशन होते हैं, यानी कोई इसका बैरियर नहीं है, उन सब के ऊपर बात होती है। तो आज की मीटिंग भी हम लोग जो है शुरू करते हैं सबसे पहले एक छोटी सी कहानी के साथ। और कहानी इस प्रकार है कि एक बार जो आज तो बहुत इलेक्ट्रिक जमाना आ गया, बहुत चीजें बहुत आगे चली गई, बहुत पुरानी बात है। एक जुलाहा था, तो वो उनका काम है कि भाई रुई धुन के और रजाई तैयार करना। तो सर्दियां जैसे आते हैं तो रजाई की जरूरत पड़ती है ना हमको, तो रजाई जो है जुलाई का जो है वो बहुत बड़ा रोल बढ़ जाता था उस टाइम पे। आज तो मशीनों ने सारी चीज ले ली है। तो एक बार जो है एक जुलाहा जो है अपने किसी परिचित के पास जो है गांव से और शहर में आया, और वो घूमते घूमते जो है एक समुद्र के किनारे पहुंचे जहां पर पोर्ट था। और वहां पर क्या देखते हैं कि बहुत सारे ट्रकों में जो है वो रुई कॉटन भर भर के जा रही है, आ रहे हैं ट्रक लेके जा रहे हैं, कॉटन लेके जा रहे हैं, कॉटन लेके जा रहे हैं, कॉटन लेके जा रहे हैं। तो ये एकदम से जो है इस आदमी को कि इतनी कॉटन ले जा रहे हैं, इसको धुनेगा कौन, यानी इसकी रजाइयां कौन बनाएगा इतनी कॉटन की। एक ट्रक, दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक, चौथा ट्रक, पांचवा ट्रक, दसवां ट्रक, पचासवां ट्रक, वो मतलब गिनते गिनते पागल हो गया इस रूप में। और जैसे ही पोर्ट के पास से आगे निकला वो एक ही शब्द बोलने लग गया, बस एक ही शब्द बोलने लग गया, इतनी रुई धुनेगा कौन, इतनी कॉटन धुनेगा कौन, इतनी रुई धुनेगा कौन, इसकी रजाइयां बनाएगा कौन, इस इतनी को कौन बना सकता है, कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। दोस्तों बहुत दिन हो गए इस आदमी को इसी रूप में बात कर रहा है, उसको किसी डॉक्टर को दिखाया, बहुत अच्छे नॉलेजेबल लोगों को दिखाया तो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन एक ही सब जब भी कोई आदमी पूछता है बोलता है इतनी रुई धुनेगा कौन, इतनी रुई धुनेगा कौन। एक व्यक्ति जो है वो बहुत समझदार आदमी था, एकदम देसी आदमी था, उसके देसी किस्म से उसने चीजें देखी हुई थी। उसने उस आदमी को देखा और वो बोला भाई मैं कल मेरे पास इसको लेके आना, मैं इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो ठीक है, कल जो है उस जुलाहे को उनके पास वापस ले गए। उनके पास ले जाते वो जुलाहे के पास में गया, कान में बोला इधर आओ मैं एक बात बताता हूँ आपको। बोलो क्या बताओगे, बोलो इतनी रुई धुनेगा कौन। उन्होंने उनके कान में बोला बोलो वो सारी रुई के जो ट्रक लेके जा रहे थे ना उनमें आग लग गई, सारे ट्रक सवा हो गए, मतलब कोई किसी को धुनने। बोलो क्या बोल रहे हो कि सारे ट्रकों में आग लग गई। बोले हाँ आग लग गई। तो फिर तो बोलो कोई धुने भी का नहीं। बोलो नहीं धुनेगा। और एकदम से आदमी जो है भला चंगा हो गया। हमारे बिजनेस में बहुत बार लोगों को लगता है ये 12 लेग बनाएगा कौन, ये 12 लेग चलेगी कैसे, ये सिल्वर डायरेक्टर, ये गोल्ड डायरेक्टर मैं बनूंगा कैसे, मैं सफायर एमराल्ड डायमंड। कंपनी बार बार बोलती है डायमंड बनो, हमारे लीडर बोलता है डायमंड डायरेक्टर मिनिमम टारगेट, मैं बनूंगा कैसे, मैं बनूंगा कैसे। ये जैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप करके जैसे 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 जो है हजारों टन के जो है ट्रक खाली हो जाते हैं, जैसे रुई धुनी जाती है वैसे ही बनते हैं। लेकिन कुछ साथियों को लगता है कि इसको धुनेगा कौन। तो उनके लिए यही है कि उनके लिए खत्म है, उनको धुनने की जरूरत नहीं, उस पूरे बोरे में जो है आग लग गई है उसको धुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको अगर थोड़ा सा उल्टा कर दें तो हम एक एक स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे हमारी जिंदगी में तो इसको आप और आपकी टीम मिलके इसको धुन लेंगे। आप पहले सिल्वर चले जाएंगे, गोल्ड चले जाएंगे, सेफायर चले जाएंगे, एमराल्ड, डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन, यूसीडी, क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। इसी बिजनेस में आपको जिन साथियों को एक टाइम पे माइक पकड़ना नहीं आता है वो माइक छुड़वाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं माई रिचार्ज में, आप जानते हैं ना, जिनसे माइक छुड़वाना पड़ता है। उनके आते ही जो है ये शुरू हो जाता है, भाई अब ये नहीं छोड़ेगा, अब तो ये लगातार। लेकिन आपने उनका अगर पास्ट देखा हो तो उनको ठीक से माइक नहीं पकड़ना आता, उनको ठीक से स्टेज पे जाने में डर लगता था। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, तो उस रूप में जो है आगे बढ़ गए। तो जितने भी साथी हैं जिनको लगता है कि इस बिजनेस में जो है
आगे बढ़ने के लिए कहीं पे भी आपको कोई भी बाधा लगती है, किसी भी टाइप की बाधा लगती है, उन सारे साथियों से जो है आज के दिन में हम बात करेंगे और कैसे जो है उस रुई को हम धुन सकते हैं, कैसे हम उसकी जो है बहुत सारी रजाइयां बना सकते हैं। कोई सिल्वर के रूप में बनेगी, कोई गोल्ड के रूप में बनेगी, कोई सफायर के रूप में बनेगी, कोई अच्छा प्रोडक्ट प्रमोटर बनेगा, कोई बहुत अच्छा जो है मानगुल का ट्रेनर बन जाएगा, कोई कोई जो है लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, तो कैसे कैसे करेंगे वो सारी चीजों को में ये जूम जो है एक छोटा सा प्रयास है। ये सब कुछ नहीं है, ये छोटा सा प्रयास है, ये छोटी सी मदद देती है, ये होप देती है उन सब साथियों को जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं लेकिन उनको लगता है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उन सब के लिए ये होप देती है। और होप जो है वो हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने होप खो दिया, अगर आपकी आशा चली गई, अगर आप निराशावाद में जी रहे हैं तो आपको कोई नहीं उठा सकता। तो होप जो है, आशा जो है, कल रात को जब हम सोए थे उसके बावजूद हमें एक होप थी कि कल सुबह हम उठेंगे। अगर हमको ये हो जाए कि हम सुबह उठेंगे नहीं, नींद नहीं आएगी हमको बिल्कुल भी। होप जो है, होप के सहारे ही हम जो है आगे बढ़ते। हमारी होप है कि आज हमने जीरो से शुरू किया लेकिन इस बिजनेस में हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। कुछ लोग छोटी होप कर लेते हैं, वहां तक रुक जाते हैं कि मैं इस बिजनेस में कुछ पैसे कमा लूं। तो होप को थोड़ा बड़ा करना है आज के दिन में जो है हम यहाँ पर शुरू करेंगे जो है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जनार्दन मौर्य जी से शुरू करते हैं। जनार्दन मौर्य जी, आपके साथ इसको स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। माय शेयर द मॉर्निंग सर। जी सर। सर हमारे बिजनेस का तो सब कुछ वंडरफुल है और चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही, बदल रही हैं। एक समस्या सर मेरी टीम से जो आती है उसको थोड़ा आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ सर। जैसे कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग और ऑनलाइन, ये एक लेटेस्ट कॉम्बिनेशन है सर। तो डायरेक्ट ऑनलाइन में सर हमारा एक तो हमारा परचेस कर सकते हैं हम टॉप अप लेकर के, दूसरा यूपीआई के माध्यम से सर जी। लेकिन सर यूपीआई से जो परचेस करते हैं पेमेंट के सिस्टम थोड़ा सा क्रिटिकल है सर, उसको नया आदमी के लिए सर जब करते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है सर उसको। कि जैसे हमारा सिंपल सा आप देखिए सर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेलवे का टिकट बनाना है, ऑनलाइन लेना है, बस यूपीआई डालो और वहां से जाकर के तुरंत पेमेंट हो जाता है। तो अभी उसकी स्क्रीनशॉट लो, ये लो, थोड़ा सा क्रिटिकल है सर। इसको थोड़ा सा सर सॉफ्टवेयर को थोड़ा इजी किया जाए जिससे नया आदमी को हम परचेजिंग कराना चाहते हैं तो इजिली वो परचेज कर सके सर, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। हाँ मौर्या जी, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपन जब आज से 2-3 साल पहले क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करते तो बहुत आसान थे सर। उनमें अभी 2-way वेरिफिकेशन आ गए हैं, OTP आ गया है, क्योंकि ये हमारे देश में जैसे जैसे देश में नहीं दुनिया में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ जो है रिकन्फर्मेशन की कुछ चीजें आ रही हैं, तो उसके साथ साथ ही जो प्लेटफॉर्म आप बात कर रहे हैं वहां पे भी जो है रिकन्फर्मेशन OTP कुछ दिन में सब जगह पे आ जाएंगे सर। हर जगह पे जो है रिकन्फर्मेशन OTP का सिस्टम आ रहा है, तो उसकी जगह हमने जो है उसका ट्रांजेक्शन नंबर को यहाँ पे डाल दिया है। तो कोई भी व्यक्ति अपना ट्रांजेक्शन नंबर जब डाल रहा है तो उसको वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि ये वेरीफाई अकाउंट से पेमेंट हमारे पास आ रहा है। और ये पहले माय रिचार्ज में भी एक ही स्टेप पे होता था, अभी 3-4 महीने से होने लगा है और इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन सर ये वाला जो है वो ट्रांजेक्शन नंबर के साथ ही जाके उसका ये वेरीफाई होगा। लेकिन इसमें हमने देखा है अपनी तरफ से कि 1 सेकंड, कुछ लोगों को 1-2 सेकंड भी नहीं लगता है। ये पहली बार जब आप करता है क्योंकि उसके अभ्यस्त नहीं है, उन्होंने जो ऑनलाइन टिकट बुक किया है जो दूसरा किया है तो उन्होंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कट गया, वेरिफिकेशन होके सीधा। लेकिन आप अगर एयर टिकट में भी देखें तो सब जगह एयर टिकट पे OTP आ गया है सर। तो हमारे यहाँ हम OTP को हटा के हमने क्या ले लिया है, हमने ले लिया है ट्रांजेक्शन नंबर। तो ट्रांजेक्शन नंबर आपको इनपुट करना है, क्योंकि इनपुट तो आपको OTP करो या ट्रांजेक्शन नंबर करो तो दोनों ही में से कोई एक होता है। तो हमने OTP की जगह उसको आपका ट्रांजेक्शन नंबर को जो है रखा। और ये क्या है कि मल्टीपल सब चीजों पे लागू हो जाता है, इसलिए चाहे वो UPI हो, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, किसी भी मॉडल से कर रहे हो, सिंगल मेथड है इसलिए ये होता है। और कई बार स्लो इंटरनेट में तो हर जगह पे ही दिक्कत होती है सर। तो जिनका इंटरनेट का कुछ इशू नहीं है वहां पे तो कुछ इशू नहीं आएगा, लेकिन इसमें बदलाव अभी हाल फिलहाल होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसको ही हमको समझना है, देखना है। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कल्पना मैडम को एक बार बुलाते हैं। जी मैम। जी सर। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर।
सर मेरे यहाँ पे लाइट चली गई, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आपका तो चेहरा ठीक दिख रहा है मैडम। हाँ ओके सर। सर मेरे एक सवाल है, मैं हम लोग जो फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है इसमें जो लिखा हुआ है 3 इयर्स एक्सपायरी डेट, 2 इयर्स एक्सपायरी डेट, तो आपके प्रोडक्ट में क्या मिला हुआ है? कोई केमिकल नहीं तो ये कैसे इतना दिन रहते हैं? तो इसका सवाल मुझे भी क्लियर होना है सर, उनको क्या बताऊं? प्रोडक्ट पे तो इंग्रेडिएंट्स तो लिखा ही होता है ना मैम, सब प्रोडक्ट के ऊपर इंग्रेडिएंट रेशियो तो अभी पहले नहीं होते थे, अभी तो सबके ऊपर जो कंपलसरी हो गया है ना, चाहे वो FSSAI के प्रोडक्ट हो चाहे आयुर्वेद के हो, हर एक के ऊपर कॉम्बिनेशन लिखा होता है ना कंपनी को, वो तो लिखा होता है सब प्रोडक्ट के ऊपर। उनका सवाल है कि इनके इनमें क्या प्रिजर्वेटिव है कि ये इतना दिन रहते हैं, 2 इयर्स रहते हैं, 3 इयर्स रहते हैं। अच्छा प्रिजर्वेटिव की बात कर रहे हैं कि प्रिजर्वेटिव क्या डाला गया कि ये खराब नहीं होता, कि नॉर्मली जैसे हम बात करें कि जूस जो है वो 4-6 घंटे में खराब हो जाता है, लेकिन आपका मानगोल खराब क्यों नहीं होता, आपकी तुलसी 36 महीने तक क्यों चलती है, ये वाला लिक्विड के बारे में आपका सवाल। देखिए प्रिजर्वेटिव जो है ना वो नेचुरल, बिना प्रिजर्वेटिव जो है ना ये प्रकृति एग्जिस्ट नहीं करती, इस प्रकृति में ही ऐसी चीजें हैं जो प्रिजर्वेट करती है, प्रिजर्वेटिव जो बना है वो प्रिजर्वेट से बना है। आपने अगर देखा होगा नेचुरल रूप में आप देखें तो बहुत सारी चीजें जो है वो अपने आप नेचुरल रूप में प्रिजर्वेटिव जो है खुद क्रिएट करती है। अगर आप हम देखें कि चावल है हमारा, गेहूं है हमारा, चना है, वो प्रिजर्वेट करके ही अपना जो है अपना स्वरूप बदल लेता है। तो मिर्ची है, लाल हरी मिर्ची जो है, लाल मिर्च तो कहीं नहीं लगती है, हरी मिर्ची लगती है, है? ग्रीन लौंका लगती है ना, तो वो फिर रेड जब बनती है तो प्रिजर्वेट होके हो जाती है, फिर उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो लंबा समय तक होती है। जैसे हम मिर्ची की बोलते हैं 9 महीने इसकी सेल्फ लाइफ है, लेकिन हमने अपने घरों में आपने देखा होगा कि 2-2, 3-3 साल पुरानी मिर्ची भी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है प्रिजर्वेट होके चेंज हो गया। सॉल्ट के ऊपर बहुत सारा, अपन तो सॉल्ट नहीं बेचते हैं, सॉल्ट के ऊपर 6 महीने की सेल्फ लाइफ आती है, लेकिन वो सॉल्ट बनाने वाली कंपनी बोलती है हजारों साल से जो है हिमालय से खोज के लाया हुआ जो सॉल्ट जो है आपको हम दे रहे हैं। तो ये क्या है, वो एक स्वरूप है प्रिजर्वेट का। अब मानगोल जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है तुलसी जो है, तुलसी खुद प्रिजर्वेट करती है, जैसे ही आप उसका एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं तुलसी के अंदर कुछ भी मिक्स होता ही नहीं है, कोई चीज को वो मिक्स भी नहीं करेगी उसको, तो वो ऑटोमेटिक जो है अपने आप को प्रिजर्वेट करती है जब 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 उसका ये गुण है। ड्राई में जितने कैप्सूल है वो तो अपने आप प्रिजर्वेट होके ही बने, सूखा होके ही बना। आमला जो है किसी भी रूप में हो जाए, चाहे वो सूखा खाओ आप, गीला खाओ, चाहे कैंडी में खाओ, चाहे आप ऑयल निकाल के खाओ, आमले के गुण जो है वो बदलते नहीं है, मतलब 90% तक वैसे के वैसे रहते हैं, और ड्राई और जो जो जूस है उसमें 95 से ऊपर जो है एक नेचुरल जो आमला खाते हैं वैसे के वैसे रहते हैं। तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डलता ही नहीं है किसी में, चाहे वो त्रिफला हो गया, चाहे वो नोनी हो गया, चाहे वो जितने भी किस्म के कैप्सूल हैं वो किसी के अंदर भी, जैसे मोरिंगा गोल्ड एक्सट्रैक्ट है तो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट से बार्क एक्सट्रैक्ट से बनता है ये, ना इसमें पत्तियां हैं ना इसमें जड़ है, बार्क एक्सट्रैक्ट से ही बनके जो बनता है। स्पायरुलिना है, स्पायरुलिना का रोल ही शुरू होता है जब ये पूरी काई जो है ग्रीन और ब्लू एल्गी है वो जब ड्राई हो जाती है तभी स्पायरुलिना बनता है, वो उसका रोल ही वहां के ऊपर आता है। तो प्रोटीन्स है, जैसे प्रोटीन्स को क्यों 18 महीने लिखते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डलता प्रोटीन्स में, लेकिन 18 महीने नहीं उनका 20-22 महीने भी वो जो हम क्लेम करते हैं कि ये 30% है, ये 40% है, ये 80% है, वैसा ही रहता है। उसके बाद में जैसे अनाज पुराना हो जाता है तो धीरे धीरे उसका पावर कम हो जाता है, ऐसे उसका पावर कम होने लग जाता है। अब हम आते हैं मानगोल के ऊपर जो कि माइक्रो न्यूट्रिशन है, जो कि एक्सट्रैक्ट करके निकाले गए हैं सब चीजों से। आपने देखा होगा कि मानगोल के अंदर आप जब उसकी बोतल को रख देते हैं तो जो भी साथी ने जिसने खोल लिया बिना खोले आप जब रख देंगे तो उसके नीचे एक जो है जाके जम जाता है पूरा। अगर हम प्रिजर्वेटिव इसमें डाल दें तो बिल्कुल नहीं जमेगा, कभी भी नहीं जमेगा। ये क्या चीज है, ये है कोकुम। कोकुम का काम है जॉइंट को बिल्ड करना है, यानी टिश्यू टू टिश्यू को आपस में जोड़ने का काम है। तो जब भी हम कोकुम की बात करेंगे तो स्टेमिना वर्धक करते कहां पे करता है,
खून की जो क्वालिटी है, चाहे हीमोग्लोबिन बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारा जितना भी इंफेक्शन हो जाता है कोई भी, उसको ठीक करने का काम हो, इसका काम है टिश्यू रिपेयर का काम करता है। तो ये खुद में भी अपने आप को वापस से मतलब बिल्कुल बारीक रूप में, इसको एकदम से पूरी तरह से निकाल के नहीं बनता है, उसके डोट्स हमको रखने पड़ते हैं। लेकिन नई जब आप देखेंगे एक महीने दो महीने पुरानी बोतल है उसमें बहुत कम आपको मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप तीन महीना चार महीना छह महीना हो जाएगा आपको ऐसे दिखेगा कि बहुत कुछ जम गया है उसके अंदर। उसको जब आप चार पांच बार जो है वेल सेक करेंगे हिलाएंगे तो वापस से उसके अंदर घुल जाता है, लेकिन फिर रखेंगे कुछ घंटों में फिर आ जाता है। तो ये नेचुरल रूप में उसका अपना स्वरूप है जो जो उसको वो ग्रहण कर लेता। अगर हम इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल देंगे तो ये कभी नहीं जमेगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। जो कि आप बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक में देखते हैं उनका नीचे कुछ भी नहीं आता है सेपिंग में। तो ये नेचुरल रूप में, तो मांगोर में जितने भी इंग्रेडिएंट डालते हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप में प्रिजर्वेटिव है, तो वो कोई भी चीज को जो है हम उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस चीज को माय रिचार्ज के तो किसी प्रोडक्ट में मेरे आइडिया से तो किसी में भी जो फूड प्रोडक्ट हैं, जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, उनमें तो किसी में प्रिजर्वेटिव नहीं रहता। हाँ, कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको स्टेबल करने के लिए प्रिजर्वेटिव की जरूरत होती है, वो एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, वो भी इतना बहुत मतलब इसके ऊपर जितना लोग बात करते हैं ना प्रिजर्वेटिव पे, वो बहुत छोटा सा परसेंटेज होता है कॉस्मेटिक्स में भी, बहुत नए के बराबर होता है। उसके बारे में जब हम सर्च करके देखते हैं खोजेंगे तो उसके कोई साइड इफेक्ट ऐसा कोई चीज होता नहीं है। और प्रिजर्वेटिव तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति खुद प्रिजर्वेट करती है, हम हर चीज जो है वो प्रिजर्वेट करती है प्रकृति। तो इस सवाल का जो है यही जवाब है। और दूसरा चीज जो है, हम हर बैच जो आता है हमारा उसका हमारे पास बैच रिपोर्ट होती है, हर 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 प्रोडक्ट का ना हर बार जो है उसका क्या क्या चीज की क्या क्या उसका कॉम्बिनेशन है किस रूप में। कई बार क्या फूड प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे हनी के ऊपर हम बात करें तो उल्टा हो गया, मतलब आपका क्योंकि ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर गूगल भी करेंगे जाके देखेंगे तो नेचुरल हनी जो है वो क्रिस्टल हो जाता है, मतलब 10 में से एक ही बैच सेम सारी चीज, 8 बोतल नहीं होंगी, 2 बोतल एकदम पत्थर जैसी हो जाएगी। आप अगर इसके अंदर प्रिजर्वेट कर लीजिए एक भी हनी खराब नहीं होगा, आप अडल्ट्रेशन कर लीजिए एक भी खराब नहीं होगा। जब भी आप नेचुरल हनी देंगे 10 में से एवरेज ये आती है, जैसे किसी साथी ने 10 बोतल लिया उनकी हो सकता है 4 बोतल में क्रिस्टल आ जाए, किसी का एक में भी ना आए, किसी के एक में आ जाए, किसी के 2 आ जाए, तो नेचुरल जो है उसके अंदर क्रिस्टल क्रिएट हो गया, मतलब वो एकदम से जम जाएगा, कुछ हिस्सा जम जाएगा उसके पहले। तो ये बिना प्रिजर्वेटिव वाली चीजों से ही होता है, प्रिजर्वेट करके तो आपको कोई चिंता ही करने की जरूरत नहीं, वो वैसा ही रहेगा, उसको हिलने ही नहीं देगा, उसका मूवमेंट ही नहीं करने देगा। तो ये इसका जवाब है। और हम प्रिजर्वेटिव बेचने नहीं आए हैं, लेकिन प्रकृति जो प्रिजर्वेट करती है वो भी हमारे भले के लिए ही करती है, प्रकृति को बचाने के लिए करती है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव से कुछ पैसा कमा लेंगे उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली हम बात करते हैं कि लोगों को हेल्थ को देंगे, इसीलिए हमारा शुक्रवार का जो टेस्टिमोनियल आता है तो हम बिना किसी तैयारी के उसके ऊपर बात करते हैं, बिना किसी प्री उसके बात करते हैं, और एक से एक साथी जो है अपना टेस्टिमोनियल बताते चले जाते हैं, जिसको डॉक्टर बोलता है बिल्कुल नहीं चल पाएंगे अभी बेड पे रहना, जिसको बोल देते हैं अब जिंदगी खत्म, उसके बाद में वो व्यक्ति आके यहाँ पे खुद बोलता है कि देखिए मेरी जिंदगी में ये चेंज हुआ। ये क्यों? क्योंकि जो हम लेबल पर क्लेम कर रहे हैं वही चीज हम दे रहे हैं, क्योंकि आप लेबल पे क्लेम करके कुछ और चीज दे सकते हैं, काठ की हांडी एक बार चढ़ सकती है, बार बार नहीं, दूसरी बार जल जाएगी। तो इसलिए ये कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सामने वाला किस चीज पे बात कर रहा है क्योंकि उसका अनुभव ऐसा ही है, आपको अपने अनुभव पे बात करनी, उनका जो अनुभव है वो अपने अनुभव पे बात कर रहे हैं, आपका अपना अनुभव है उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। ओके मैम, तो मैं समझता हूँ कि सारे साथियों को इसके बारे में जो है जानकारी मिली होगी, और आप जो है इसको अपने बिजनेस के फील्ड में जहाँ पे दिक्कत कहीं पे भी अगर आपको आती है उसको आप जो है इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अर्पण पॉल जी आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। सर हम लोग हेल्थ को लेकर काम करते हैं, आयुर्वेद को लेकर काम करते हैं, तो जब इस बार पास किसी नया हमारा संगी साथी के साथ बातचीत होता है तब उनका प्रॉब्लम के लिए हम जो चीज देता है उनको प्रोडक्ट, उन्होंने अगर शुरू किया
हेल्थ पर्पस ठीक होने के लिए शुरू किया। मेरे सवाल यही है सर, उन्होंने तो आया है उनके हेल्थ पर्पस रिलेटेड, लेकिन हमारा तो हमको हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर्पस उनको बोलना ही पड़ेगा। तो प्रोडक्ट यूज करने कितने दिन बाद उनको हम माने बोले, और बोले तो बोले किस तरीके से बोले, माने कौन सा वैसे हम उनको शुरू करें, मेरे सवाल यही है सर। उन्होंने तो प्रोडक्ट पर्पस हेल्थ पर्पस के लिए आया है, हेल्थ ठीक करने के लिए, मैं कैसे शुरुआत करूं और कितने दिन बाद शुरुआत करूं सर, यही क्वेश्चन है। आप कैसे शुरुआत करते हैं सर? हाँ सर, अभी आप कैसे शुरुआत करते हैं? अच्छा, अभी तो मैं उनको प्रोडक्ट देता हूँ, देने के बाद जो उनको आईडी कर देता हूँ, और जब उनको 3 तारीख में पे आउट आता है तब उनको ऐप इंस्टॉल करके यही दिखाता हूँ जी, देखिए यही चीज यूज करने के लिए, तो यूज करने से तो आपको एक कैशबैक मिला है, और आपको हेल्थ के कैसे लगा, तो वो तो बोलते हैं हाँ हमको यूज करने से अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा। तब मैं उस रास्ते से उनको शुरुआत करता हूँ कि देखिए ये जो कैशबैक आता है इसके एक सिस्टम है, इसी से मैं शुरू करता हूँ सर। हाँ, लेकिन आप अगर कंफ्यूज होंगे ना सर, तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा सर। हम अगर कंफ्यूज होंगे और सर्च कुछ और करेंगे, रिजल्ट कुछ और निकाल के लाएंगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं यहाँ पर दो चीज बात करना चाहता हूँ। पहला चीज ये है कि किसी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नाम सुन के हम जाते हैं ना, कहीं पे भी जितना भी जो है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, कुछ भी हो, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या क्या चीज, उसका ट्रस्ट, उसका मतलब पहले से कोई आदमी बताता है बहुत अच्छा डॉक्टर है ये, बहुत इस चीज का बहुत अच्छा डॉक्टर है, उनको दिखा लो करके। हम डॉक्टर ने जो दवाई दी उसके ऊपर हम कोई सवाल नहीं पूछते, क्योंकि हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। पहला चीज है कि आपका ट्रस्ट जब बिल्ड होता है किसी व्यक्ति का आपके साथ, तो आपके साथ जो है आपके न्यूट्रिशन को, आपके मेडिसिन को शुरुआत करता है आयुर्वेद की उस चीज को, तो उसमें सामने वाला डिसाइड नहीं करता कि कितने टाइम उसको चलाना है, ये आपको बताना होता है। ये हमने जितना भी हमारा बुकलेट है, जितना भी ट्रेनिंग है, उसमें सब में बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट को एटलीस्ट इस वाले इशू के लिए कितने टाइम तक चलाना है। वो हर एक का अलग अलग है। जैसे किसी को शुगर आज 500 है तो उसको कितने टाइम हम चलाएंगे, हम बोलेंगे 1 साल तक आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं, आपको कंटिन्यू जो है जीवन या चलाना है। अगर आपको इसको ठीक करना है, आपको वॉक करना है, तो इसमें सामने वाला, कुछ लोग बोलते हैं सर वो वॉक नहीं कर सकते, तो मैं बोला प्रोडक्ट मत दो। 1 अरब 50 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, उसमें से लगभग जो है आज के दिन जो रिपोर्ट आ गई है उसमें आपका 10 करोड़ लोग डायबिटिक है और 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है, मतलब 25 करोड़ लोगों में ये लक्षण है। तो आपको जरूरी नहीं है जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है उसको देना। बोलो सर ये सुबह के टाइम पे 2 कैप्सूल नहीं ले सकता क्या, दोपहर में दे दूं? नहीं, क्यों नहीं ले सकते भाई? डॉक्टर जो बोल रहा है उसको, क्योंकि उनको ट्रस्ट है आपके ऊपर, आपको वो बहुत ही कैजुअल ले रहा है, तो नहीं दे ले रहा है तो मत दो, दूसरा दो। तो फिर कैसे देंगे? तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाइए। आपकी क्रेडिबिलिटी जब बढ़ेगी तो व्यक्ति लेगा, तो आपके साथ करेगा। आपने 2 सवाल को मिक्स कर दिया यहाँ पर, तो पहला पार्ट यह है। दूसरा पार्ट, हम बार बार बोलते हैं कि पहली बार आपको प्रोडक्ट देना है, दूसरी बार प्रोडक्ट खुद चलता है। माई रिचार्ज के जितना भी प्रोडक्ट है, फर्स्ट टाइम आप दीजिए, दूसरी टाइम प्रोडक्ट चलता है। तो किसी आदमी को जैसे हमने ग्लूकोसामाइन दिया, हमने पहले बताया 20 दिन बाद आपके जो पेन है उसमें आपको ठीक होना शुरू होगा, आपको फीलिंग आएगी। 20 दिन तक आपको फीलिंग ही नहीं आएगी। किसी के एकदम से पूरी कमर जकड़ गई है, पूरे कंधे जकड़ गए हैं, उनको हम मान बोल देते हैं तो क्या बोलते हैं हम? आपको 20 से 25 दिन लगेंगे, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं उनको दिखता है एकदम से। जब 20 से 25 दिन बाद में मैंने 90% केसेस देखे हैं, सामने वाला बोलता है मुझे वो प्रोडक्ट वापस चाहिए, मान बोल वापस चाहिए, आप ही लोग बताते हैं ग्लूकोसामाइन वापस चाहिए। तो उसमें हमको बताना है कि आप ग्लूकोसामाइन कम से कम आपको कितने टाइम से दर्द हो रहा है, 3 साल से 4 साल से 5 साल से 8 साल से, तो आप उसको 2 महीने में कैसे आप जो है ठीक कर लेंगे उसको। उसको कम से कम आपको 4 महीने कम से कम ग्लूकोसामाइन की 4 बोतल किसी भी आदमी को घुटने का दर्द उसको देनी ही पड़ेगी, 6 बोतल तक भी देनी पड़ेगी, 7 तक भी देनी पड़ेगी। अगर किसी का आपका, आप तो बच्चे हैं, आपका बच्चा 6 महीना जाके कौन सा डिग्री लेके आ गया स्कूल से? नहीं लेके आया ना।
प्रोडक्ट को भी टाइम लगता है, एलोपैथ में भी तो कोई मिनटों में रिजल्ट नहीं आते हैं, तो इसमें किस आदमी को कितने टाइम पे रिजल्ट होंगे, कितने टाइम पे होंगे। जैसे किसी को फीवर है, आपने तुलसी दिया, एक घंटे आधी घंटे में फीवर उतर गया, तो ये क्या चीज है? ये एक टेम्परेरी सिम्टम है बॉडी में, फीवर रोज आके नहीं बैठता। जिन साथियों को, कुछ लोगों को रोज फीवर होता है, तो फिर उनको हम देते हैं कि भाई आपको ये लो है, नीम पीरियम है, तुलसी है, आपको नोनी है, इसको आपको रेगुलर लेना पड़ेगा। और फीवर का क्या रिजल्ट है, कुछ लोगों का हो सकता है लीवर बीमार है, किसी का किडनी बीमार है, किसी का जो हीमोग्लोबिन कम है उसके कारण से फीवर आ रहा है, तो वो ठीक करने पड़ेंगे। तो स्टडी हमारा ध्यान जितना बेटर होगा उतना हम सामने वाले को असिस्ट कर पाएंगे, उतना बेटर ढंग से हम जानकारी दे पाएंगे। लेकिन इसका कोई रूल नहीं है कि साहब हम ये करेंगे। आप एक बार डॉक्टर आप जाते हैं, कोई भी एलोपैथ में क्या करते हैं डॉक्टर, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो 6-7 किस्म की टेबलेट लिख लेते हैं, एक जो है पेन किलर लिख देंगे, एक जो है भूख लगने वाली लिख देंगे, एक जो है आपको मौसम के लिए लिख देंगे, एक कोई उसके मेन जो इशू है उसके ऊपर एक दो टेबलेट हो, 7 दिन बाद कुछ 7 दिन का लिख दिया, 3 दिन का लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, 4 बंद करके 4 और नहीं चालू कर दी, फिर फर्क नहीं पड़ा, 5 और बंद कर दी, फिर और 5 चालू कर दी। तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशन में जो हम जो दे रहे हैं, इसमें तो एक्सपेरिमेंट नहीं है, हम तो बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, बॉडी को वो पावर देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो बीमारी जन्म लेती है। तो उसको दूर होने में निश्चित रूप में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं बहुत सारा हमारा जैसे सब कैप्सूल है देखता हूँ, उसका 10x है, उनका भी 4th-5th डे लोगों को जो है जिस चीज के लिए हम दे रहे हैं उसमें फर्क आना शुरू हो जाता है। माइग्रेन का पेन है, आप जो लोग लेना शुरू करते हैं 4-5 दिन में उनको कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका कुछ फिक्स कुछ पैटर्न नहीं है कि ये पैटर्न है। अब मैं आपके सवाल के दूसरे पार्ट पे आता हूँ। आप बीमार शरीर और नेटवर्क को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये बेनिफिट हो गया, अब देखो इधर में आ गया। आप जब तक बिजनेस नहीं दिखाएंगे बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस दिखाने वाले के लिए आप बीमार शरीर ढूंढेंगे और उनसे बिजनेस कराएंगे, आपका बिजनेस बीमार बीमार चलेगा। आदमी तो ठीक हो जाएगा, बिजनेस बहुत धीरे धीरे करेगा वो, क्योंकि वो पहले तो ठीक ही नहीं हो रहा था, फिर ठीक हो गया, उसकी खुशी है उनको, उनका क्या समझ है क्या नहीं, वो आपको इसलिए सुन रहे थे कि उनको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम। बिजनेस को बिजनेस के ढंग से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। और बिजनेस को करने के लिए जो है हमको वही सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी जो बिजनेस के लिए जरूरी है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ भाई, बुढ़ापे में किसकी चाहत नहीं है कि उनके घर में अच्छा अच्छा घर बने, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी सुख सुविधाएं हो, लेकिन ये 60 साल में बनेंगे तो उसका क्या फायदा है, उसको जवानी में बनाओ ना भाई। तो जवानी में बनाने के लिए बिजनेस, हमको बिजनेस दिखाना है सीधा। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर जो हमारी ये बीमारी क्यों आई उसको शुरू वहां से करना है कि अमीर लोग ज्यादा बीमार, अमीर लोग भी बीमार होते हैं, ऐसा नहीं, अमीर लोग अमर नहीं है, वो भी मरते हैं, डॉक्टर भी मरते हैं, जिन्होंने दवाइयां मेडिसिन इन्वेंट की वो भी मरते हैं, लेकिन उनकी आयु जो है एक गरीब आदमी की अपेक्षा बहुत लंबी होती, बहुत अच्छी एक जिंदगी होती। तो कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो, जो बार बार आपको बीमारी दे रहा है वो, या एक अच्छी लाइफ? तो अच्छी लाइफ कहाँ पे है, वो है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो दो तरीके हैं, एक है कि आप नौकरी कर लो या ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो, या जो है आप पैसिव इनकम लेवरेज इनकम का सिस्टम बना लो। बिना डरे बोलना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, मुझे वर्कशॉप में, मुझे सेमिनार्स में, मुझे अपने सीनियर्स के साथ उसको जानकारी लेनी पड़ेगी। तो वो लेके हमारा अप्रोच अगर है बिजनेस वाला तो लोग बिजनेस करेंगे, हमारा अप्रोच है सिर्फ बीमार शरीर ढूंढना तो बीमार शरीर मिलेंगे हमको। हमारा अप्रोच क्या है उस अप्रोच पे डिपेंड करता है। और एक दिन में लीडर नहीं बनता है कोई भी, माँ के पेट में लीडर बन के नहीं आया आपका बच्चा। मैंने अभी भी बोला कि 6 महीने स्कूल में जाके कौन सी डिग्री मिल गई, उसको टाइम लगता है। कुछ साथियों को लगता है मैं इस बिजनेस को 1 साल से कर रहा हूँ मेरी टीम नहीं बढ़ रही, भाई 1 ही साल से कर रहे हो आप ग्रेजुएशन होने के लिए आपको 14 साल लगे थे। तो आपको यहाँ पे सीखना है, सीख के वो चीजें बात करनी है, क्योंकि वो मिस्टेक दोबारा से मत करो जो एक के साथ किया है। कुछ लोग वही मिस्टेक बार बार करते रहते हैं, तो रिजल्ट भी वही आएंगे। तो रिजल्ट डिफरेंट लाने के लिए डिफरेंट चीजें करने की जरूरत है। शिवखेड़ा बोलते हैं कि जो विजेता कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो काम को अलग ढंग से करते हैं, वही काम को अलग ढंग से करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपका
बोलने का ढंग, आपका बात करने का ढंग, आपका प्रेजेंटेशन का ढंग, आपका ड्रेस, आपका मिलने का ढंग, आपका स्माइलिंग फेस, सारी चीजों को हमको चेंज करना पड़ता है। और सामने वाले को सुनो, भगवान ने दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, सामने वाले को खाली होने दो तो आपके साथ काम करेंगे। ठीक है सर, तो इसका यही है, दो को मिक्स मत करिए, अलग अलग इन चीजों को देखने की जरूरत है। और बीमार शरीर ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ा सा। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। एक बार अर्जुन पांडे जी एक बार आइए। आयुर्वेदा मॉर्निंग जी सर, मेरा एक सवाल है अपने जानकारी के लिए। जो टेरेक्स पावर की हम बात करते हैं तो एक्चुअली इसका नॉलेज नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोगों को, लोग पूछते हैं टेरेक्स पावर क्या है, तो मैं उसको डिफाइन नहीं कर पाता हूँ। दूसरा दूसरा जीवन्य जो हम लोग देते हैं, किसी को रिकमेंड जीवन्य किया हमने, तो पहले से जो शुगर की गोली ले रहे हैं तो कहते हैं कि अब इसको बंद कर दे, आपका जीवन्य लेना चालू कर दिया, तो वो समझ में नहीं आता है कि इनको वहाँ पे स्टॉप करके अपने जीवन्य पे कंट्रोल होना चालू होगा। या मैं तो कहता हूँ कि सर आप इसको लीजिए और साथ में जीवन्य शुरू करिए, और जब आपका शुगर नॉर्मल होने लगेगा तो बीच में गैप करके, ये मैं अपने तरीके से बताता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मेरे को करेक्शन की जरूरत है। जी, आज दोनों ही सवाल के ऊपर बात करते हैं अपन। पहले बात करेंगे टेनेक्स के ऊपर, कि इसके ऊपर टेनेक्स जो लिखा है इसका मतलब क्या है। आयुर्वेद के बारे में बोला जाता है कि साहब आप 2-3 महीने लोगे तब आपको जो है दवाइयां काम करना शुरू करेंगे, फिर आप जो है 6-8 महीने तक लेते हो। यह है पुराना आयुर्वेद। आयुर्वेद का भी कॉम्पिटिशन क्योंकि बहुत सारी पेथी है तो उसके ऊपर है, तो मॉडर्न टाइम पे मायरिचार्ज ने कोई नहीं बनाया है, बहुत सारा जो है ये युग चेंज हो गया है। तो पिछले 10-12 साल में आयुर्वेद के ऊपर बहुत सारा तेज गति से काम हुआ है, उसमें जो है 6X, 7X, 10X का जो है मेडिसिन अवेलेबल है, कुछ कुछ तो अभी 12X में भी आने लग गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूरा एक्सट्रैक्ट बेस, जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, जैसे हम 3-4 प्रोडक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं तो उसको आपको समझ में आएगा। जैसे हमारा मोरिंगा गोल्ड है, तो मोरिंगा जो है 3 किस्म का कैप्सूल आपको जो है, पाउडर भी मिल जाएगा, कैप्सूल भी आपको बाजार में मिल जाएगा। एक जो है सिर्फ लीफ से बन के आता है, मतलब हर्ब से बन के आता है, हर्ब्स जो है, तो उसका 500 mg भी वो उसके अंदर डाल लें तो उसका जो रिजल्ट है उससे बजाय जो बार्क से बनता है और रूट से बनता है वो उससे कहीं डबल होगा। लेकिन अगर वो प्योर बार्क से अगर बना हुआ है तो वो उसका लगभग जो है 5 times ज्यादा होगा। तो हम 10 times क्यों लिखते हैं, हम उसका उस एक्सट्रैक्शन को निकालते हैं जिस खास पर्पज के लिए हम इसको देते हैं। जैसे मोरिंगा गोल्ड में हम 5-6 चीजें लिखते हैं कि इन इन चीजों के लिए दे सकते हो आप। जैसे विमेंस में जो है आपका ब्रेस्ट मिल्क जो जनरेट नहीं होता उसके लिए दे सकते हैं, मेंस में इनफर्टिलिटी के लिए इसको दे सकते हैं, जितने भी साथियों को जो है हीमोग्लोबिन और खून की कमी होती है उसको इसको देना है, जिनको भी एनर्जी लॉस होती है और जो दूसरे किस्म का प्रोटीन नहीं ले सकते हैं उसको मोरिंगा गोल्ड हम दे सकते हैं, जिनको की कॉमन जो पेन होते हैं, मतलब जॉइंट्स और जॉइंट्स के ऊपर में पेन होते हैं उनको हम दे सकते हैं। तो उसका जो तत्व है उसी चीज को निकाल के, मतलब ऐसे भर के नहीं डाल दिया कि 500 mg है, उसमें इन्हीं पर्टिकुलर चीजों के ऊपर जो है मोरिंगा गोल्ड काम करेगा। ठीक है सर, तो ये उसका एक्सट्रैक्शन निकाल के जो है सारी इसको डाला जाता है। अब हमारा एलोवेरा कैप्सूल है सर, आप एलोवेरा का और कोई भी मार्केट का, कुछ कंपनियां बना रही हैं 10X में, लेकिन आप कॉमन, हम बोलते हैं जिनको भी कॉन्स्टिपेशन वाला, जिनको की त्रिफला से अगर कुछ बेनिफिट नहीं आ रहा है तो आप एक ही कैप्सूल आप इसका रात में लेना शुरू करिए। किसका? एलोवेरा का। क्यों? क्योंकि उसका एक्सट्रैक्शन विधि से उसको बनाया गया है, तो वो एक ही अपने आप में 10 capsules जो हर्ब का उसके बराबर काम करता है, 10 is equal to 1। इसका मूल जो अगर सीधे में हम बात करें तो जो हर्ब के 10 capsules होंगे उसके बराबर एक काम करता है। तो मूल रूप में इसको हम सीधा सीधा जो है समझ सकते हैं। तो ये इसका बेस है जिसको कि आप बता सकते हैं किसी को भी कि ये क्यों हमने इस्तेमाल किया। और इसलिए जैसे ही हम देते हैं तो 3-3, 4-4, 5, जैसे नोनी पे हमने बात किया, सबका नोनी काम नहीं करता माइग्रेन में,
माई रिचार्ज का करता है, हर एक का नहीं करता। एक व्यक्ति ऑफिस में आया था बहुत समय पहले अरविंद जी से यहाँ मिलके, बोला कि नहीं वो वैसे वाली नोनी जो है ना उसका वो उबाल के वैसे पिलाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप वो उबालने की कुछ जरूरत नहीं, हमारा कैप्सूल आप दीजिए। और वो व्यक्ति कितने डब्बे मतलब कितने लोग उनको तो दिया ही दिया, उनका तो ठीक हुआ ही वो, और कितने लोगों को जो है नोनी के बॉक्सेस दे चुका है। मतलब लगभग हर दो तीन महीने में आके लेके जाते हैं, क्योंकि उनका जो रिजल्ट चाहिए व्यक्ति को वो काम करता है। इसीलिए जो है बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर इमीडिएट 3 दिन 4 दिन 5 दिन में जो है इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो 10x का मतलब ये क्लियर है सर, मैं समझता हूँ कि सब साथियों को क्लियर हुआ होगा। जैसे एक मैं बात करूं, यहाँ पर हमारा त्रिफला है सर, इसलिए मैं बोलता हूँ लेबल को भी पढ़ा करो। कोई भी ब्रांड जो लिखता है उसमें एक एक इंग्रेडिएंट आता है टैनिंस, तो माय रिचार्ज के त्रिफला में 40% आता है, क्योंकि आपको एक इतना लेना पड़ता है त्रिफला लेने वालों के लिए पाउडर में, लेकिन कैसे आप दो कैप्सूल में उसको ले लेंगे। तो टैनिंस परसेंट कितना है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड में देखता हूँ 15% टैनिंस दे रहे, लेकिन माय रिचार्ज के त्रिफला कैप्सूल में 40% टैनिंस, क्योंकि वो 10x पे ले जाने के लिए जरूरी है, आपको 40% आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो लेबल जो है ना, जैसे यहाँ पे मैडम ने भी बात किया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10x मतलब 10 हर्ब के कैप्सूल, सिंपल भाषा में समझे तो उसके इक्वल ये कैप्सूल है हमारा। क्लियर, नंबर वन। नंबर टू हम आते हैं जीवन्या के ऊपर कि जीवन्या साहब, एक आदमी का पहले से एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या करें, उनको उन्होंने जीवन्या शुरू किया तो कैसे इसको हम यूज करें। तो देखिए बहुत सिंपली, सबसे पहले हमें, क्योंकि उनकी बॉडी को वो मेडिसिन कोई 1 साल से ले रहा है, कोई 5 साल से ले रहा है, कोई 6 साल से ले रहा है, कोई 8 महीने से ले रहा है, तो उसको हम इमीडिएट बंद नहीं कर सकते। तो उसको हमें क्या करना है, दोनों प्रोडक्ट को साथ साथ चालू करना है, लेकिन ये लंबे टाइम तक हम एक साथ चलाएंगे तो वो ओवरडोज हो जाएगा उसको। तो 10 दिन तक हमें सेम टू सेम चलाना है, पहले 10 दिन तक कुछ भी चेंज नहीं करना, जीवन्या भी देना है और उसके बाद में जो है एलोपैथ का भी देना है। 10 दिन बाद हमको जस्ट 50% कर देना है उसको, जीवन्या को सेम टू सेम चलाना है, आधा कर देना है, मतलब डोज को घटा देना है। और अगले 10 दिन बाद मतलब 20 दिन बाद आपको एक एक दिन का गैप में बंद कर देना है, 1 दिन एलोपैथ का लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, और 30 दिन बाद टोटल बंद कर देना है उसको, क्योंकि ये पूरी तरह से उसकी जगह ये आपका जो है ले लेगी। इस बीच में उनका शुगर लेवल भी बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कुछ साथियों का 100, 120, 130 आ जाता है वो जीवन्या भी बंद कर देते हैं। इस मिस्टेक को कभी नहीं करना है, क्योंकि आपको एलोपैथ तो बोलता है कभी ये ठीक ही नहीं होगी, लेकिन हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल को साथ में ठीक करो, वॉक करना शुरू करो सुबह शाम 45-45 मिनट, खान पान का आप ध्यान रखना शुरू करिए, इसके साथ पूरा चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग देना शुरू करो। तो और वो चार्ट जो है आप उनके इस पे व्हाट्सएप पे भी दे दो साथ में, कि उसमें तो है लेकिन साथ में इसके ऊपर भी आप डाल दीजिए उनके व्हाट्सएप पे भी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं, कम से कम आपको इसके 4 बॉक्सेस तक उनको जरूर देने हैं, मतलब लगभग 1 साल के आसपास जो है हमको इसको देना ही देना है। उसके बाद में वो अगर एकदम सही फील कर रहे हैं तो उसके बाद में उनको जीवन्या भी लेने की जरूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, योगा करें, वॉक करें, घूमें, अच्छे से जो है खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। तो इस रूप में जो है जीवन्या को हमको अडॉप्ट करना उन साथियों के लिए जिनको की पहले से कोई भी दूसरी मेडिसिन दी जा रही थी उसके लिए। अब जिनको नहीं दी जा रही थी उनके लिए तो सीधा है कि सुबह, दोपहर और शाम आपको दो 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 टेबलेट जो है इसका देना है। फूड हैबिट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ साथी जीवन्या को लेते ही बोलते हैं अब क्या मैं गुलाब जामुन खा लूं, क्या मैं रसगुल्ला खा लूं। अरे भाई, उसको आपको रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाने का सर्टिफिकेट नहीं दिया है, ये भी मेडिसिन है, वो भी मेडिसिन है, तो आपको वो सारी चीजें जो है वो मेंटेन करनी होगी। क्योंकि कुछ साथी अचानक बोलते हैं सर जीवन्या खा के उनका सर 50 बढ़ गया शुगर लेवल। मैं बोला क्या किया था, बोला उन्होंने गुलाब जामुन खा लिया था। बोला किसने बोला, बोला सर जीवन्या ले रहे थे तो खा लिया था। ये मिस्टेक कभी नहीं करना है। कब खाना है, जब 1 साल तक हम कर लेंगे और हमारी बॉडी का नॉर्मल शुगर हो जाए तो आप कभी कभी जो है मिठाइयां खा सकते हैं, नहीं अदरवाइज नहीं खा, आप फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट से कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्लियर सर? जी सर। बहुत अच्छा। तो ये दोनों जो है सवाल आपके बहुत ही अच्छा, 10x और इसके बारे में।
एक बार जो है तापस भूमि का ये सर हनी हनी जम जाता है, लिखा है क्रिस्टलाइज हो जाता है, लेकिन हर हनी क्यों क्रिस्टलाइज हो जाता है? हो जाने के बाद वो शुगर जैसे दिखता है, जो कस्टमर आके बोलता है ये शुगर है। शुगर नहीं दिखता है सर, वो कलर जो चेंज करता है वो क्रिस्टल बन जाता है, क्रिस्टल बोलते हैं इसको, आप गूगल करेंगे ना। हनी क्रिस्टल नॉर्मली क्रिस्टल होते हैं, लेकिन वो लोग मानता नहीं, बोले शुगर है इसमें। नहीं नहीं मानता, उसको नहीं देना ना कंपनी को। मैं सैमसंग वापस लेके बोलता हूँ, ये अगर सनलाइट में रखने पे पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पूरा मैं देखा है, अगर सनलाइट में रखे तो क्लियर हो जाता है, तो समझ आता है, लेकिन मैं वापस ले लेता। नहीं, कस्टमर आपको पैसा दे रहा है तो अच्छा प्रोडक्ट चाहिए कि खराब चाहिए उसको? अच्छा चाहिए, पैसा का पूरा वैल्यू चाहिए। अच्छा देना चाहिए कि खराब देना चाहिए? अच्छा देना है सर। तो कंपनी का अगर कोई चीज खराब हो गई, कंपनी मना करती है बदलने के लिए कि बदल के देती है? बदल के देते हैं सर, जीवन में मैंने बदल के मिला है मेरे को। तो यही करना है सर हमको, खराब प्रोडक्ट जो है चलाने की कोशिश नहीं कर, बिल्कुल नहीं, कुछ फर्क नहीं। आपने बोला धूप में रखेंगे ठीक हो जाएगा, ये तर्क मैं यहाँ पे दूंगा तो कुतर्क हो जाएगा सर। जो मानता है एक चांस में मान लेता है, कस्टमर तो सेटिस्फाइड नहीं है हमसे, राइट सर। हमें क्या करना है, बदलना है, राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार। चलिए, एक व्यक्ति लेवल पढ़ने वाला मिला और उनको भी पढ़ना चाहिए सबको। दिनेश जी आइए एक बार। दिनेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, आप एक बार म्यूट करके अनम्यूट करिए। नहीं सर, आपकी तो आवाज नहीं आ रही सर, बोलिए तो एक बार। हाँ जी सर, आपने ये हेडफोन जो लगा रखा है ना मोबाइल से और अपने कान से निकाल दीजिए सर, इसे तो निकालेंगे तो आवाज आती है। हेडफोन मत यूज किया करो कोई। मेरा जो सर मोरिया सर वाला क्वेश्चन सर ऑनलाइन वाला, वो तो मिल गया, तो जवाब दे दिया ना उसको। और एक क्वेश्चन और था सर, इसको जवाब मिल गया, वो अपने एक क्वेश्चन वो इसका तो वही जवाब है सर। ठीक है सर, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक बार जो है हम यहाँ पर विक्की सिंह आइए एक बार जी। सर माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी चीजें यहाँ पर माइंड खोलती है, चीजें नॉलेज मिलती है। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि कई बार हम जब पब्लिक में भीड़ में लोगों के पास जब जाते हैं टाइम लेके, तो मैं बताता हूँ ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। 2016 में बहुत सारी कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस मिली थी एक्चुअली 2016 में, और मैं ये भी कहता हूँ प्रैक्टिकल भी है ये, मैं भी उसमें तालकर स्टेडियम में बैठा हुआ था जब मैं इसमें 2016 में आया था। तो मेरा ये है कि हमारा क्या आई कार्ड, कोई ऐसा आई कार्ड नहीं बन सकता सर अपना माई रिचार्ज लिमिटेड कंपनी का, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ ऐसा? 2010 से माई रिचार्ज आई कार्ड देती है सर, उसको हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर लगा के जाते हैं फील्ड में, आपकी आई डी में जहाँ प्रोफाइल है वहां पे प्रिंट आई कार्ड करके आता है सर, आप निकालिए उसको प्रिंट कराइए, उसका बना के आप लगा लीजिए, वो आपके लिए आता है ऑटोमेटिक, उसका रिन्यूअल होता है एक साल के लिए होता है, जैसे एक साल खत्म होगा आपको रीप्रिंट करना है ऑटोमेटिक, उसका रिन्यूअल जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे रिन्यूअल कर देती है कंपनी, तो उसको लगाना होता है सर। तो आपने देखा नहीं है शायद, आपके प्रोफाइल में जब जाएंगे तो वहां पर आपका जो है आई डी कार्ड करके ऑप्शन आता है, उसको जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट निकाल के जो है आई कार्ड का जो है आज मार्केट में ऐसे मिलते हैं पूरा लगाने का, और उसमें डाल के जैसे ऑफिस में होता है सब जगह, इसको तो माय रिचार्ज में तो लगभग लोग तो जो फील्ड में निकल रहे हैं यूज ही कर रहे हैं सर इसको, तो आपको जानकारी नहीं थी तो वहां से आज निकाल लीजिए, आज लगा लीजिए, कल मीटिंग में भी दिखा दीजिए कि सर ये मैंने निकाल के लगा लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं सर थोड़ा सा। अर्जुन पंडित जी आइए सर। अर्जुन जी सर मार्जिन गुड मॉर्निंग जी। सर सर मेरा सवाल ये है, हमारा एक पड़ोसी है जिसको फैटी लीवर है, उसका पेट साफ नहीं होता सर, आवाज जा रही सर मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, हेडफोन नहीं लगाएंगे तो अच्छी आएगी लेकिन आ रही है।
नहीं सर, बिना एयरपोर्ट के नहीं जा रही है, हमको सुनाई नहीं देता। तो उसका पेट का भी नहीं होता सर, उसको मैं मंगोल, नोनी, त्रिफला, लीव 2000, तुलसी ये सब दे रहा हूँ, और ये लगभग 3 महीना हो गया देते हुए सर, लेकिन उसको पेट साफ नहीं होता। मेन बीमारी पेट साफ करने की है। पेट साफ करने के लिए और क्या खा रहे हैं जी? पेट साफ करने के लिए वो और क्या खा रहे हैं सर? अच्छा, और क्या खा रहे हैं? पहले पपीता खा रहे थे, पहले फिर पेट साफ होने लगा था तो बंद कर दिए थे, अब बस ये अपनी दवाई ले रहे हैं, लेकिन उनका मेन बीमारी और खा रहे हैं, उसको बंद करवाना है सर। दूसरा ये है कि रात का खाना कब खाते हैं? खाना तो रात में दुकानदार है सर, वो रात को 11 बजे खाते हैं, दिन में भी वही 11-12 बजे। दुकानदार को बिजनेस समझाओ ना सर भाई, जब जितने दिन उनके ये चलेंगे, हाथ पैर चलेंगे, उतने दिन दुकान करेंगे, फिर बेटा उसी रूप में चला लेगा क्या उसको? लेकिन माय रिचार्ज में बिजनेस हो गया, अगर डायमंड बन गए तो बेटा, अगर जिंदगी में अगर कोई आदमी नहीं रहा तो भी डायमंड से शुरू करेंगे ना सर। तो सर आदमी की बीमारी के साथ बीमारी कहाँ से है? बीमारी है पैसा कमाते कमाते, वो पैसा किस काम का जो बीमारी को पैदा करे? तो बिजनेस समझाओ ना सर बैठ के, शाम को बोलो कि घर को, घर की खुशी के लिए। एक बार जो है वाल्मीकि जी जो है वो बालिया भील था, तो कोई भी आदमी आता था उसको मार लेता था, छीन लेता था पैसे, तो उनसे सब चीज लेके करता था। तो भगवान राम से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने वही उन्होंने अपना काम किया, तो उन्होंने बोला भाई एक काम करो, आप सब लूटपाट सब कर लेना, एक बार आप जाके जो है अपने घर पे पूछ के आ जाओ अपने बीवी बच्चों से कि अगर इसका फल के लिए वो भी तैयार रहेंगे, कि वो भी इतने इस पाप के भागी बनेंगे या आप खुद बनोगे। तो गया अपनी बीवी से पूछा कि ये जो मैं पाप कर रहा हूँ पूरा, लोगों को लूट रहा हूँ, मार रहा हूँ, लोगों से छीना झपट्टी कर रहा हूँ, तो इस पाप में तुम भी भागीदार बनोगी? बोले मैं तो नहीं बनूंगी। बच्चे से पूछा तुम बनोगे? बोले मैं तो नहीं बनूंगा। घर परिवार में बाकी लोगों से पूछा? बोले तो नहीं बनेंगे। तो एकदम से जो है वो आके जो है भगवान के पैरों में गिर गए। तो वही चीज है सर, वो बिजनेस जो बहुत सारे दुकानदार मैं देखता हूँ किराने की दुकान करते हैं, सुबह 4 बजे खोल के बैठ जाते हैं, रात 11 बजे तक बैठ रहे हैं, पेट बढ़ गया, लीवर, फैटी लीवर हो गया, हाँ पेट साफ नहीं हो रहा है। वो पैसा भाई, वो जिन लोगों के लिए आप पैसा कमा रहे हो वो आपसे कितना खुश है उस चीज को लेके। तो वो पैसे का सिस्टम डेवलप करने की चीज बताइए ना सर। अगर वो खुश हैं तो फिर शाम को बीवी खाना बना के भेजे, शाम को दुकान पे ही खा ले 7 बजे सर, रेडी करके देने, क्यों 11 बजे आके खाना है सर? या सारा घर उनका वेट कर रहा है, 11 बजे सारे लोग बैठ के खाते हैं। अगर उनको अपने, क्योंकि आपके सबसे नजदीक कौन रहता है सर, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, आपकी बॉडी में कोई दर्द होता है कौन? आपकी बीवी महसूस करती है, आपकी माँ महसूस करती है, आपका पापा। माँ का जो है ना अल्टरनेट नहीं है, लेकिन माँ भी आपके दर्द को महसूस नहीं कर पाती है, आप खुद महसूस करते हैं। तो जिसका पेट साफ नहीं हो रहा है उससे पूछ के देखो उसकी क्या सिचुएशन है, तो चेंज कौन करेगा? वो खुद ही करेंगे। शाम 7 बजे खाना शुरू करो, बोलिए अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पैसा तो आ जाएगा। और पैसा कमाने वालों को जब पैसा चाहिए तो नेटवर्क दिखाओ सर, प्रोडक्ट मत बेचो जी सर, दिखाओ। आदमी पैसा कमाना चाहता है इसलिए तो 4 बजे से 11 बजे तक बैठ रहा है। प्रोडक्ट तभी काम करेंगे सर जब हम सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे। कोई आदमी 12 बजे खाना खाएगा, कितने कुछ भी खा लो सर, चूर्ण खा लो, मानगोल खा लो, त्रिफला खा लो, कुछ भी खा लो, चाहे पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि पेट को साफ होने के लिए टाइम चाहिए, बॉडी को खाने को पचाने के लिए 6 घंटे चाहिए। तो 7 बजे खा लिया, 8, 9, 10, 11, 12, 1, अब बॉडी क्या करे? अब बॉडी सफाई करती है, 1 बजे तक पाचन किया, उसके बाद में सफाई कर रही है। सुबह 5 बजे आदमी उठा, 4 बजे उठा, 5:30 बजे उठा, एकदम से फ्रेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा बॉडी ने अपना काम फिनिश कर लिया। अब वो जब उठ रहे हैं तब तो बॉडी ने फिनिश नहीं किया, उससे पहले तो दुकान चले गए वापस से, तो पेट साफ कहां से होगा सर? इस साइंस को समझना है ना। जो भी आपके दुकानदार भाई है या जो भी जो कर रहे हैं उनको बताइए कि इसका रीजन ये है, रात का खाना जल्दी, उसके बाद में हमारी बॉडी को रिलैक्स आएगा। क्योंकि कितने एग्जांपल हैं, या तो पेट साफ के बाद में उनको पाइल्स होने लग जाएंगे सर, फिर उसके बाद में फिस्टुला में बदल जाएगा, तो जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी ना सर। प्रोडक्ट तो मैं सही दे रहा हूँ ना
या कोई टेंशन नहीं है। एकदम सही दे रहे हैं, लिव 2000 कैप्सूल दो दो देना है सुबह शाम, अगर एक एक दे रहे हैं तो दो दो देना है। नहीं, दो दो दे रहा हूँ सर, दो दो दे रहा हूँ, बाकी सारे सही दे रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट देने से कुछ नहीं होता है सर, कम ही प्रोडक्ट देने से ही होता है। आप ऑलरेडी 4-5 जो है उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट दे रहे हो, उनको लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। तो पैसे की टेबल लेके बैठिए उनके सामने एक बार, तो उससे ये चेंज करिए। पैसा कमाना है तो हमारे साथ जो है इसको आगे बढ़ाइए। बहुत सारा आदमी बोलता है मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं है, मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा, तो क्यों दुकान पे जा रहे हो? पैसे की कमी नहीं है तो क्यों जा रहे हो? पैसे की कमी है इसलिए तो जा रहे हैं ना। तो किसके लिए पैसा कमा रहे हो? खुद के लिए कमा रहे हो कि दूसरों के लिए? दूसरे तो बोल रहे हैं उनको तो परवाह ही नहीं है आपकी। भाई सुबह हम लोग जूम कर रहे हैं तो हम सब स्वस्थ होके इसको बैठ रहे हैं, देख रहे हैं। तो यही चीज हमको, वो क्वेश्चन जरूर इंसान को, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको प्रेम से भी तो पूछना है ना कि अल्टीमेटली ये पैसे का आप क्या करना चाहते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है पास में ओ माया। तो दूसरे सुख के लिए पहले सुख को कुर्बान कर रहे हैं। चेतन जी बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक आदमी के पास भाई पैसा कौन कमाता? बोलो सब सबको अच्छा। बोलो एक आदमी बिस्तर पे पड़ा है, उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ इंपॉर्टेंट? तो इसको ध्यान रखना, आपकी अप्रोच क्या है लोगों के साथ। सर ये अप्रोच चेंज करेंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा वहां, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है पंडित जी? जी सर। आज उनसे मुलाकात करनी है, यही बताना है। उनको स्वस्थ करिए, अपने बिजनेस में लेके आइए साहब। दुकान करते रहे लेकिन दुकान के टाइमिंग चेंज करने हैं। टाइम चेंज नहीं होती है तो बीवी को बोलो, बच्चे को बोलो, शाम को 6:30 से 7 बजे खाना पहुंचाओ, 7 बजे खाना खाओ सर, दुकान में बैठ के खाओ। भोजन का टाइम, भोजन का टाइम, भोजन का टाइम चेंज करना है। जी जी सर। और उनको बोले पानी थोड़ा पीते रहे, ज्यादा पानी। ठीक है सर। दिल्ली में वैसे ही बहुत पॉल्यूशन होता है, बहुत डस्ट पॉल्यूशन होता है, पानी पीते रहे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार जो है यहाँ पर राखी चौधरी को लेते हैं एक बार। राखी मैडम आइए। मॉर्निंग सर। मैं जब फील्ड में निकलती हूँ तो दो ठो प्रश्न क्वेश्चन मुझ में किया जाते हैं, तो हम तो बताते हैं लेकिन सर थोड़ा क्लियर होना है। एक तो है सर मंगोल में जो एडेड जो फूड कलर, सर हम भी जानते हैं फूड कलर हम और भी जो खाते हैं उसमें भी मिलाना जाते हैं, लेकिन सर मंगोल में सर एक क्वेश्चन जो मुझमें किया जाते हैं सर एक थोड़ा क्लियर कर दीजिए। और से सर जो मैं ग्लूकोसामाइन को लेकर काम कर रही है अभी, तो उसमें कितने दिन तक जो उसको लेने से दर्द ज्यादा बढ़ जाती है पेशेंट को, तो सर वो दर्द कितने दिनों तक कितने दिन से वो कम होंगे सर? मानपुर का तो इसका मैडम जवाब दिया अभी हमने, वापस पूछा था पहले E22 जो है फूड कलर उसके अंदर यूज होता है, तो ये कॉमन बात है, तो हर चीज में होता है, उसके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं। तो हर चीज में जो जो ज्यादा पूछते हैं बहुत सारे लोग वो सारा सारा केमिकल वाली चीज खा रहे हैं। हम बात करें कि केमिकल है कि नहीं, तो केमिकल्स यूज नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो फूड कलर है। फूड कलर से तो सारा बंगाली, तो आप तो सारे लोग इतने फॉन्ड हो मिठाइयों के, तो सारी बंगाली मिठाइयां तो सारा फूड कलर से बनती है। हाँ सर, जितना भी कलरिंग आती है सब फूड कलर से आती है, लेकिन वो फूड कलर जो है वो तो कोई डेंजरस नहीं, वो तो नेचुरल प्रोसेस से ही बनी हुई चीजें होती है। ग्लूकोसामाइन में जिन लोगों को लंबे टाइम से पेन रहता है या जिनका वजन ज्यादा होता है, उनको एक बार जैसे ही लेना शुरू करते हैं तो उनका दो इशू हो सकते हैं, उसको ध्यान रखना। कुछ लोगों का मतलब 100 में से 2 आदमी, दो भी ज्यादा होगा, एक ही मानिए, उनका पैर ना फूल जाता है, थोड़ा घुटना फूल जाता है हल्का सा, और कुछ लोगों को जो है पेन बढ़ जाता है। लेकिन इस पोजीशन में भी ग्लूकोसामाइन का यूज नहीं स्टॉप करना है, तीनों टाइम सेम जो है इसके टेबलेट को लेना है, तो स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि ये एक जो है इसमें स्ट्रगल चल रहा है उनका, क्योंकि इतने साल तक उनके घुटनों में जो है पैच बन गए हैं, तो वो पैच जो है जो फिल हो रहा है, तो पैच के ऊपर जो पूरा बाहर की स्किन जो थी हमारी वो अंदर चली जाती है, तो वो स्किन को जगह नहीं मिलती है बाद में। तो जैसे पैच को रिपेयर कर रहा है तो वो स्किन को बाहर कर रहा है, तो सूजन आनी शुरू हो जाती है इसमें। लेकिन ये
मैक्सिमम 4-5 दिन रहती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो जब भी जिनको होता है उनको बोलिए कि थोड़ा कम वॉक करिए और पैरों पे कम, जितना कम खड़ा हो सकते हैं उतना, मतलब रेस्ट करना है, बैठते में तो पैर को सीधा करके बैठ जाना है, सो लेट रहे तो उसमें 4-5 days। इसके बाद में ऑटोमेटिक जो है ये नीचे जाना शुरू हो जाता है, 4-5 दिन में ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो ये इसका रीजन है। कुछ लोगों को कमर दर्द में भी जो है इसमें बढ़ सकता है, मस्कुलर जो पेन है उसका भी रीजन यही है, जहां पे पैच बन जाते हैं उस पैच को जब रिपेयर करता है तो इसको जो है आ जाएगा। आप इसको समझने के लिए जब किसी को दे रहे हैं तो उनका आप घुटने को ऐसे चलवाएंगे ऐसे तो उनका बहुत कट कट की आवाज आएगी, लेकिन जैसे ये सुनने आती है तो वो कम हो जाती है और उसके 6-7 दिन बाद जो है और बहुत कम हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे 2-3 महीने हो जाएंगे लगभग ये खत्म हो जाते हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट का कुछ नुकसान नहीं है, मतलब कुछ लोग जो है कि इसको मैं स्टॉप कर दूं, स्टॉप नहीं करना, इसका कोई नुकसान नहीं। सर कितने दिनों तक देंगे सर? मैडम बताया ना, कम से कम इसको 3-4 महीने तो देना ही देना है, मतलब 4 बॉक्स तो देना है और अपनी मर्जी से नहीं। कुछ लोग एक सुबह लेना एक दोपहर शुरू कर देते हैं, एक शाम में नहीं, 3 टेबलेट ही हमको देना है सुबह दोपहर शाम, कब कुछ खाने के बाद, मतलब ये खाली पेट नहीं लेना है। और जिन भी साथियों को अगर कई बार लगता है कि इसको खाने से मुझे थोड़ा भारीपन लगता है उनको बोलिए पूरा वाटर ग्लास जो है ना वो पी लेना है अपने साथ में, इसको लिया और पूरा पानी के ग्लास जो है वो पी लेना है, क्योंकि ये इसको डाइल्यूट हो जाना चाहिए जाके, तो ये उसके साथ ही पूरा बॉडी में डाइल्यूट हो जाएगा। तो 4 महीने हम रेकमेंड करते हैं मिनिमम की 4 महीने आपको लेना है, लेकिन जिनको बहुत टाइम से पेन है ये डिपेंड करेगा उनका दर्द ठीक होने के बाद भी क्या, जैसे पैर की तलवे में है उसमें तो कोई आवाज नहीं आती, वो तो आपका सबसे पहले वहीं ठीक होता है, जिनके भी पैर में या एड़ी में जहां पे है टो में वहीं सबसे पहले होता है, फिर घुटने का ठीक होना शुरू होता है और फिर अगर ये रिब्स में है तो इसका उसका, और मस्कुलर वाला सबसे लास्ट में जाके धीरे 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 ठीक होता है। लेकिन 4 months एटलीस्ट, 6 महीने भी चलाना पड़ेगा, लेकिन ये पेन 5-7 दिन ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, जो जो फूल जाने वाला है वो तो ठीक हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। आज तो पूरा का पूरा हमारा सेशन जो है बहुत सारे क्लेरिफिकेशन पे ऐसे चला गया है, तो बहुत शानदार दोस्तों, आप सारे साथियों ने सुना, बहुत सारे साथियों ने आज हैंड रेज किए थे, उनको हम नहीं बुला पाए क्योंकि आज के सवाल बहुत प्रोडक्टिव थे सब साथियों के। तो आपको ये नॉलेज मिली है, इसको हमको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है, प्रोडक्ट नहीं सेल करना है। रुई धुनेगा कौन? तो रुई तब धुनी जाएगी जब हम बिजनेस खड़ा करेंगे। तो हमको बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या करना है, अपने माइंड सेट को चेंज करना है, बिजनेस दिखाना है। बिजनेस जब दिखाएंगे ना तो घुटने के दर्द वाला आदमी भी मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन वाला भी मिलेगा, लीवर जिसका फैटी है वो भी मिलेगा, सब किस्म के लोग मिलेंगे। लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमारा फोकस बिजनेस पे होने चाहिए, फिर वो वहां पे वो चीज लेने चाहते हैं तो ठीक है। सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान दिखाने जाना है, प्रोडक्ट बेचने नहीं जाना है, प्लान दिखाने जाना है। लेकिन कब? प्रोडक्ट लेके, साथ में प्रोडक्ट लेके। आप प्रोडक्ट रख के प्लान जब दिखाते हैं आपके प्लान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपके साथ लोगों के आने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम उसमें देखिए, ये प्रॉब्लम क्या इनकी नेटवर्क बनाने से दूर हो सकती है? कोई भी बीमारी, जो भी बीमार शरीर को भी आप दे रहे हैं कि ये बीमारी क्या इनकी नेटवर्क बनाने से, अपने आप को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दो साथियों ने जो बताया था कि उनका इस रूप में हिसाब, हम उनको प्रोडक्ट देते हैं फिर उनको वॉलेट दिखाते हैं, वॉलेट वहां नहीं, साथ में हमको बिजनेस दिखाना है। साथ में एक साथी जो है इसलिए रात को 11 बजे तक दुकान पे बैठ रहा है कि पैसा कमाए, उसको बिजनेस दिखाना है हमको साथ में। तो बिजनेस करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और पैसा भी कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह हम लोग जो है एक और शानदार सेशन में मुलाकात करेंगे हैबिट्स के बारे में, बहुत ही शानदार सेशन होगा। आपके टीम में जितने भी नए साथी हैं उन सारे साथियों को जो है जरूर लेके आएंगे, और आज जिन साथियों को बोलने का मौका नहीं मिला है वो अगली बार जो है हमारा ये सेशन होगा उसमें मौका देंगे, दूसरे सेशन पे तो आप बात करते रहते हैं। जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।